अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान संघ का धरना जारी है। धरने के दौरान प्रधान संघ की नाराजगी सरकार से साफ नजर आ रही है। अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से साफ नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधान संघ के अध्यक्ष ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं पत्रकार महोदय आपको बताना चाहूंगा कि लगातार हमारा जो प्रदेश प्रधान संगठन है और मैं स्वयं भी लगातार 11 दिन आज धरने को हो गए हैं और पूरे प्रदेश से हम 12 सूत्रीय मांगों को लेकर इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं जो एकता विहार में है। इस पर कोई भी आज दिन तक हमारे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई अपनी मांगों के लिए और हकों के लिए लड़ाई लड़ा है, परंतु सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारी बातचीतों को और हमसे इस मांगों के संबंध में कोई वार्ता करने नहीं आया, जिसको लेकर प्रधान संगठन काफी रोष में है और काफी सरकार की निंदा भी करता है कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई की हमारी सरकार द्वारा जिस तरीके से अपेक्षा की जा रही है, आने वाले 2022 में भी प्रधान संगठन इसी तरह वर्तमान सरकार की अपेक्षा चुनाव में करेगा और साथ ही हमारे प्रधान संगठन का जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है उसको कमजोर करने के लिए सरकार द्वारा खुली बैठकों का एजेंडा हमारे यहाँ भेज दिया गया है, जबकि पूरे तंत्र को पता है कि प्रधान संगठन अपनी मांगों को लेकर देहरादून में धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए जो हमारी कल से पूरे प्रदेश में जो खुली बैठक होनी है उसके लिए पूरा प्रदेश प्रधान संगठन उन खुली बैठकों का बहिष्कार करता है और साथ ही आने वाली जो 5 तारीख है उसको गांधी पार्क परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास के लिए जो कूच का कार्यक्रम है उसमें लगभग हमारे पूरे प्रदेश से ग्राम प्रधान जो है 5 तारीख को जो भारी जनसलाब है वो देहरादून की सड़कों में आएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वर्तमान सरकार होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जल जीवन मिशन में ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।